गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग ये नया टॉपिक पढ़ेंगे अबाउट स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे और बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? यू नो वेरी वेल द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू प्रिज्म इज नोन एज स्पेक्ट्रम। वो जो सेवन कलर का बैंड बनता है दैट इज बेसिकली नोन एज स्पेक्ट्रम। द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। यू नो इट वेरी वेल कि जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट को ट्रेवल करवाते हैं तो लाइट की जो स्पीड है वो चेंज होती है। वेदर द लाइट रे गोज टूवर्ड्स द नॉर्मल, वेदर इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट इज बेसिकली द मेन रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इसी वजह से बनता है क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो चेंज करती है अपनी स्पीड को। तो जैसे ही व्हाइट लाइट जो है वो प्रिज्म से पास होती है, इट ब्रेक्स इनटू सेवन कलर्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ दैट सेवन कलर बैंड बेसिकली नोन एज स्पेक्ट्रम। नाउ स्पेक्ट्रम में जो हमारी लाइट रेज हैं विच आर अरेंज, दे हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड दे हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस कि अगर वेवलेंथ बढ़ रही है इट मीन्स उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगी। That is the reason. ज़्यादातर आपने observe किया होगा जो danger signals होते हैं वो basically जो बनाए जाते हैं वो red color के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी wavelength सबसे ज़्यादा होती है। उसका reason है क्योंकि जिसकी wavelength जितनी ज़्यादा हमें बड़े आसानी से वो color दिखेगा दूर से, और उसकी frequency उतनी कम होती है, दूर से दिखाई दे इसीलिए red color की wavelength जो है वो ज़्यादा होने की वजह से वो हमें दूर से दिखाई देता है। एंड That is the reason danger signals जो हैं वो red color के बनाए जाते हैं। Now what is the continuous spectrum and what is discontinuous या incontinuous spectrum का मतलब क्या है? बेटा continuous spectrum का मतलब होता है एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, जो भी color या ray चल रही है उसमें हमें कोई difference नजर ना आए, black band नजर ना आए, बीच में कोई gap नजर ना आए, that is continuous spectrum। जैसा कि आप prism में जब white light pass होती है तो देखते हैं वॉयलेट कलर जो है वो ब्लू के साथ मर्ज है, ब्लू ग्रीन के साथ, और जो ग्रीन है वो येलो के साथ मर्ज है। तो व्हाट इज दैट, व्हाट इज इट, ये क्या है? ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, एक के बाद एक, एक दूसरे में मर्ज होकर वो कलर्स आ रहे हैं, तो वो एक के बाद एक चलने वाले कलर्स हैं, दैट इज द मेन पॉइंट। ओके, सो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में, आपको समझ आया होगा व्हाट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेटा हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है वो दो तरह का होता है, एक एमिशन और एक एब्जॉर्प्शन। आपको इनके नाम से समझ आ रहा होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम कौन सा स्पेक्ट्रम होगा जहाँ पर जो रेडिएशन है वो एमिट करेगी, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा जहाँ पर रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी। अब एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की मैं कंडीशन आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ। एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब है जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, उसको बाहर से कहीं से एनर्जी मिली, उसने एनर्जी ली और वो हायर लेवल में ऊपर पहुंच गया। व्हेन इट कम्स बैक, जब वो वापस आएगा तो वो जो एक तो हो गया वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के, उसने एब्जॉर्ब की। दूसरी चीज, जब वो वापस जब वो अपने ऊपर वाले या अपने नेक्स्ट हायर लेवल में पहुंच गया, कुछ टाइम तक वहां रहकर वो वापस आएगा, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की थी बाय एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से, वो उसको रिलीज करेगा। किस फॉर्म में रिलीज करेगा? इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, हीट में और लाइट की फॉर्म में, दैट इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम, उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको समझ आया होगा कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी बता देती हूँ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो बेसिकली तो अपोजिट होगा एमिशन स्पेक्ट्रम का। यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया है आपके बुक में, एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एन एमिशन स्पेक्ट्रम। जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसका फोटोग्राफिक नेगेटिव मतलब उसका ऑपोजिट होगा। अ कंटिन्यूअस ऑफ रेडिएशन इज पास थ्रू अ सैंपल व्हिच अब्सॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, द मिसिंग वेवलेंथ व्हिच करस्पोंड टू द रेडिएशन अब्सॉर्ब्ड बाय द मैटर लीव डार्क स्पेसेस इन द ब्राइट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और जब हम इतने सारे स्पेक्ट्रम्स की स्टडी करते हैं दैट स्टडी इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टूडेंट्स आप अपने बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में,
यहाँ पर अब हम आपसे डील करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम, उनको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है। बेसिकली बोर ने और बाकी जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे उन्होंने हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स को ज्यादा डील किया और उसी के बेसिस पर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो अपने हैं वो ऑब्जर्वेशंस दी और रिजल्ट्स दिए। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम। The characteristic lines in atomic spectra can be used in chemical analysis to identify unknown atoms in the same way as fingerprints as are used to identify people. The exact matching of lines of the emission spectrum of the atoms of a known element with the lines of an unknown sample quickly establishes the identify the later. बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर हमारे पास दो स्पेक्ट्रम्स हैं और अगर हम उनको मैच कर रहे हैं और किसी एक एग्जिस्टिंग मैटर मैटर से या एलिमेंट से वो मैच कर गया है, एटम से मैच कर गया है स्पेक्ट्रम, तो नेचुरल सी बात है वो उसी के ग्रुप का एलिमेंट होगा, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज रियली इजी। जैसे एलिमेंट्स लाइक रुबीडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम एंड स्कैंडियम वर डिस्कवर्ड व्हेन देयर मिनरल्स वर एनालाइज्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। द एलिमेंट हीलियम वॉज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। सो दिस इज द वे इन विच वी यूज स्पेक्ट्रा टू फाइंड आउट डिफरेंट एलिमेंट्स। बेसिकली हम यहाँ पर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। बेटा यहाँ पर अगर आप देखें तो यू कैन सी हेयर, यहाँ पर आपको दो स्पेक्ट्रम्स दिखाई देंगे। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखाया है, ये एमिशन स्पेक्ट्रा दिखाया है इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ये डार्क कलर जो पार्ट आता है ना, ये डार्क कलर का मतलब होता है कि इस टाइम पर कोई गैप है, इस टाइम पर कोई गैप है। अब आप देखिए, एक्साइटेड सैंपल है, यहाँ पर फिल्म से टकराया, प्रिज्म से पास हुआ और उसने अपना आपको एमिशन दे दिया। यहाँ पर व्हाइट लाइट सोर्स है, ये सैंपल ने एब्जॉर्ब की है और तब जाकर आपको ये स्पेक्ट्रा मिला है। तो दिस इज एब्जॉर्प्शन एंड दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रा। नाउ दिस दीज आर द फाइव स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की ये पांच एटॉमिक लाइंस हैं जो कि हम बेसिकली डिस्कस करते हैं। सो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एन वन एन टू। अब सब उसको समझने से पहले हमें यहाँ पर समझना होगा, रिडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया। रिडबर्ग एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये कांस्टेंट भी उन्हीं के नाम पर आया है। वेव नंबर का जो आपकी स्पेक्ट्रल रीजन हैं उनकी नंबर ऑफ लाइंस के साथ एक रिलेशनशिप उन्होंने फाइंड आउट किया कि वेव नंबर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर बेसिकली ये फॉर्मूला है एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर। मतलब एन वन क्या होगी, आपकी पहली, जहाँ से जिस सिस्टम से जिस लाइन से वो गया और जहां तक गया। तो यहाँ पर ये सीरीज पांच हमें मिलती हैं, हाइड्रोजन जो हमारा मेटल है, हाइड्रोजन जो हमारा एलिमेंट है, उससे हमें ये पांच सीरीज मिलती हैं, पांच तरह के हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं उसके स्पेक्ट्रम में। पहली वाली लाइन जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन की है, दूसरी बामर विजिबल रीजन में, और बाकी तीनों जो है वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। इनके लिए एन वन एन टू की वैल्यू फिक्स है। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं और ये कॉन्स्टेंट आपको लर्न करना पड़ेगा, 109.677। यू हैव टू लर्न दिस। पेपर में दिया जाता है, कई बार नहीं भी दिया जाता। स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट थे रेडबर्ग्स, एक उन्होंने ये दिया है कॉन्स्टेंट और इसके बेसिस पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।